तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के एक ऐसे फीचर्स के बारे में जिसका नाम है कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी। तो दोस्तों कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी का प्रैक्टिकली यूज़ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे किया जाता है ये आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली तरीके से जानेंगे। तो दोस्तों जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो इस फीचर्स को इनेबल करके रखती है। अगर आप भी किसी बड़ी कंपनी में एज ए अकाउंटेंट की पोस्ट पर जॉब अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जाएगा भी आप कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में कितना अच्छा नॉलेज रखते हो, क्योंकि इसके बगैर बड़ी बड़ी कंपनियों की जो अकाउंटिंग है वो आधी अधूरी मानी जाती है। तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें प्रैक्टिकली करेंगे, तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि हम आपके लिए इस चैनल पर टेली प्राइम सॉफ्टवेयर और बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की प्रैक्टिकल वीडियो कंटिन्यू अपलोड करते रहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहन सुथार और आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम एंट्री करने से पहले कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर हम इसको एक ग्रुप और सब ग्रुप भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम एक को सिंपल से एग्जांपल की तरफ से इसको समझ देंगे। अब जैसे कि आप ऐसी कंपनी में काम करते हो जहाँ पर काफ़ी सारे सेल्समैन यानी कि जो फील्ड में वर्क करने वाले होते हैं वो एम्प्लॉई आपने रखे हुए हैं उस कंपनी में, और उस कंपनी को कंपनी है जो उनका जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है वो कंपनी पेड करती है। तो ऐसी कंडीशन में हम सिंपल तौर पे क्या करते हैं, जैसे टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से लेजर क्रिएट कर लिया और जितना ये वन डेज का जितना भी हमने पेड किया है उसकी सारी एक एंट्री पेमेंट वाउचर में कर देते हैं। लेकिन प्रॉपर सही तरीके से ये नहीं पता लग पाता भी कौन से सेल्समैन ने कितना एक्सपेंसेस किया है। हम चाहें तो चाहे नरेशन में भी लिख सकते हैं लेकिन उसका पर्टिकुलर हमें पता नहीं लग पाएगा भी कौन अभी तक आज तक कौन से सेल्समैन ने सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग पे एक्सपेंसेस किया है और कौन से मतलब सेल्समैन से इनकम जो ज़्यादा हुई है। तो कहने का मतलब हो गया इस कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर से जो कंपनी होती है वो अपने एक्सपेंसेस और बजट पर कंट्रोल रखने का काम करती है। तो आप देख रहे हो ये जो एग्जांपल हम इसी एग्जांपल के थ्रू एंट्री करके देखेंगे, ये हमारे कॉस्ट सेंटर है और ये हमारे कॉस्ट की कैटेगरी है, यानी कि सारी ये सेल्समैन है और सभी सेल्समैन को हमने पूरे दिन के अंदर यानी कि 5 जुलाई 2021 को टोटल हमने जो पे किया है वो 4,800 रुपये पे किया है। लेकिन हमें इसको अलग अलग डिटेल्स रखनी है। कंपनी हमारे से ये डिटेल पूछ सकती है भी आज तक बताओ, जैसे कि हमारे पास ये सेल्समैन है सुनील, अब सुनील ने लास्ट 6 मंथ में कितना ट्रेवलिंग पर एक्सपेंसेस इतने किए हैं, मैक है उसने कितना किया है, नमन ने कितना किया या फिर सुमित ने कितना ट्रैवलिंग पे एक्सपेंसेस किया है। तो इसी तरीके से एग्जांपल की हम एक और एग्जांपल की बात करें, जैसे फ्यूल एक्सपेंसेस। अब मान लीजिए आपकी कंपनी मतलब ट्रैवलिंग के लिए मतलब अलग अलग गाड़ियाँ यूज़ करती है, तो अब गाड़ियों के हिसाब से भी आप कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे सबसे ज़्यादा जो मतलब सेल्समैन है जैसे ए बी सी डी है और सभी की ये अलग अलग गाड़ी नंबर भी है, तो आप इसको गाड़ी नंबर वाइज भी ट्रेस कर सकते हो और इसको मतलब जो सेल्समैन है उसके थ्रू भी इसको ट्रेस कर सकते हो भी आज तक सबसे ज़्यादा जो फ्यूल एक्सपेंसेस हुआ है जो कंजम्पशन हुआ है वो कौन सी गाड़ी के ऊपर हुआ है, यानी कि उसका गाड़ी का नंबर क्या है, या फिर उसको उसके ड्राइवर के अकॉर्डिंग भी ट्रेस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम सारी बातें प्रैक्टिकली देखने वाले, तो इसलिए वीडियो को एंड तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो दोस्तों टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर को इनेबल करना पड़ता है। कैसे करेंगे, इसके लिए आपको F11 प्रेस कर सकते हो या फिर यहाँ से कंपनी में जाने के बाद आप इस फीचर्स के ऑप्शन पर आप आ सकते हो। तो मैं शॉर्टकट F11 प्रेस करूँगा। तो जैसे ही हम F11 प्रेस करेंगे तो वहाँ पर आपको शुरुआत में इस अकाउंटिंग के ऑप्शन में ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इनेबल कॉस्ट सेंटर। इस फीचर्स को आपको यस करना है, ये बाई डिफॉल्ट नो होता है तो इसको आपको यस करना पड़ेगा। मैंने यस कर दिया है और कंट्रोल ए के साथ इस विंडो को मैंने एक्सेप्ट भी कर दिया है। अब उसके बाद में हमें कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट की कैटेगरी है जो क्रिएट करनी पड़ती है। तो क्रिएट करने के लिए हम गेटवे ऑफ टेली पे क्रिएट करेंगे और क्रिएट करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पर हमें एक कॉस्ट सेंटर दिखाई देगा। उसके बाद अगर आप शो मोर पे क्लिक करते हो इस ऑप्शन पे, इस शो मोर पे, तो आपको कुछ और सारे फीचर्स भी दिखाई देंगे। आप इसमें आप देख सकते हो कॉस्ट कैटेगरी भी आ गई है और कॉस्ट सेंटर भी आ गया है और कॉस्ट सेंटर क्लास भी आ गया है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको दिखाई दिए, लेकिन अभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में
कॉस्ट सेंटर की और कॉस्ट कैटेगरी के बारे में। तो सबसे पहले हम कॉस्ट की कैटेगरी है जो क्रिएट करेंगे, कॉस्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा। ये कह रहा है भी प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी एग्जिस्ट बाय डिफॉल्ट फॉर दी कंपनी, यानी कि आप ये जो कुछ एक प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है वो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के द्वारा बाय डिफॉल्ट है जो सेव करी होती है, यानी कि क्रिएट करी होती है, आप जो है उसी को अल्टर करना चाहोगे या नया क्रिएट करना है? तो हमें बिल्कुल नए क्रिएट करने हैं, तो इसलिए हम सी को प्रेस करेंगे या हम क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। अब कैटेगरी हमारी है जो सेल्समैन की है कॉस्ट कैटेगरी, तो हम यहाँ से सेल्स मैन के नाम से कैटेगरी क्रिएट कर लेंगे। और उसके बाद में आपको ये जो ऑप्शन दिखाई देगा, आपको एलोकेट रेवेन्यू आइटम इसको यस रखना है, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम इसको आपको नो रखना है, एंटर प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो कॉस्ट की जो कैटेगरी है वो ए की है। अब उसके बाद में हमें कॉस्ट सेंटर क्रिएट करना है। कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने के लिए अब आपको सबसे पहले ऊपर हेड पे आना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा जहाँ पे कैटेगरी प्राइमरी कॉस्ट आ रहा है। अब यहाँ से आपको इसमें से सेल्समैन जो अभी हमने कैटेगरी जो क्रिएट करी है उसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर नाम हम देंगे, नाम है सुनील, और उसको एंटर प्रेस करते हम सेव करेंगे। उसके बाद में जैसे कि महक है और उसके बाद में नमन है, उसके बाद में सुमित है, तो इस तरीके से हमने चारों कॉस्ट सेंटर है जो क्रिएट कर लिए। अब 5 जुलाई 2021 को टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है जो हमारा कंपनी का वो 4,800 रुपये का हुआ है, तो हमें कॉस्ट और ये सभी के सभी हमने कंपनी की तरफ से इनको कैश पेमेंट भी हो सकती है, पेटी कैश भी हो सकती है, या फिर भाई बैंक की तरफ से भी पेमेंट हो सकती है, पेमेंट का जरिया कुछ भी हो सकता है। तो अब इसकी एंट्री हमें करनी है, तो एंट्री करने के लिए हम वाउचर पर आएंगे, वाउचर पे आने के बाद हम पेमेंट वाउचर पे आएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आपने जो कैश पेमेंट करी है तो जो आपने डेबिट नोट का वाउचर आपने खर्चे का जो भी तैयार किया है वो वाउचर नंबर हम यहाँ पर डालेंगे। और उसके बाद में अब हमें यहाँ पर एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से, तो हम एल्ट सी शॉर्टकट यूज करेंगे, टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये अब हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो अब आपको उसके बाद में ध्यान में रखना है, ये ऑप्शन आपके पास आएगा कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, तो इसको आपको यस रखना है, यस करेंगे जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल रहेगा और टीडीएस भी इस पर नॉट एप्लीकेबल है, और इस वाउचर लेजर को हमने कर दिया सेव। अब उसके बाद में हमने जो टोटल पेमेंट करी है 4,800 रुपये की, तो 4,800 रुपये हमने टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस को डेबिट करना है आपको। अब उसके बाद में यहाँ पे कॉस्ट की कैटेगरी ऑटोमेटिक आपसे मांग लेगा। अब कैटेगरी हमने क्या दी थी, सेल्समैन। अब सेल्समैन में क्या आ गया, सबसे पहला जैसे नाम है सुनील का, तो सुनील का नाम यहाँ पर आएगा, कितनी अमाउंट हमने पे करी है 1,000। उसके बाद में सेकेंड है महक, अमाउंट है 500 रुपये। उसके बाद में है नमन, नमन की जो अमाउंट है वो 1,500 रुपये है, और उसके बाद में सुमित, और सुमित की जो पेमेंट 1,800 रुपये है। तो यहाँ पर इसका जो टोटल है वो 4,800 ऑटोमेटिक हो जाएगा, एंटर प्रेस करेंगे, इस वाउचर को हम सेव करेंगे। अब मान लीजिए हमने इसको कैश पेमेंट कर दी, एंटर प्रेस करेंगे, ये हमने वाउचर को सेव कर दिया। अब हमें कैसे पता चलेगा, कैसे ट्रेस करेंगे भी कौन से सेल्समैन ने सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस किए हैं, तो इसको ट्रेस करने के लिए हम रिपोर्ट्स को देखेंगे। रिपोर्ट को देखने के लिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में आपको यहाँ पर आना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर अब आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कॉस्ट सेंटर का, आप इस कॉस्ट सेंटर पर एंटर प्रेस करोगे तो उसके बाद में कॉस्ट की आपकी अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी, आप कैटेगरी वाइज समरी देख सकते हो या फिर आप लेजर को भी ब्रेकअप करके देख सकते हो। तो हम एक बार दोनों कंडीशन में देखेंगे, हम लेजर ब्रेकअप देखेंगे, तो अब लेजर ब्रेकअप देखेंगे तो टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस वाला लेजर हमें सेलेक्ट करना है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर वो हमारी जो सेल्समैन की जो कैटेगरी हमने बनाई थी उन सभी का नाम यहाँ पर आ गया, और उसके बाद में इन सभी की अमाउंट भी यहाँ पर आ गई।
ये 4800 रुपये इन सभी का टोटल है। और ये चारों सेल्समैन ने जो जो एक्सपेंसेस किए हैं जितने ट्रेवलिंग के, उनकी डिटेल आपको यहाँ पर शो होती रहेगी। अब इससे क्या होता है, कंपनी अपने जो एक्सपेंसेस है वो अपना जो बजट है उस पर कंट्रोल कर सकती है भी कौन से सेल्समैन की जो रेवेन्यू है वो सबसे ज़्यादा है और उसके एक्सपेंसेस बराबर में कितने चल रहे हैं, तो यहाँ से वो कंपनी इसको ट्रेस करती रहती है। अगर हम इसको सेल्स मान लीजिए, वो हमने अभी इंट्री जो करी थी ये वाली, अब ये हो सकता है हमने इसको सब कुछ नरेशन में हम लिख देते, तो ये जो इंट्री है, ये हम इंट्री हमारे मान लीजिए डेली की डेली इंट्री होती है, डेली का डेली एक्सपेंसेस हमें इनको पेड करना पड़ता है। तो ऐसी कंडीशन में लास्ट में जब सुनील का अगर मैं एक स्पेशल सेल्समैन की टोटल अमाउंट सर्च करनी हो तो बड़ा मुश्किल का काम हो सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका कॉस्ट सेंटर और कैश जो कैटेगरी है वो हमने क्रिएट कर ली है, जिससे कि ये सारा का सारा काम हमारा सेल्समैन है, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो कोई भी मतलब इस तरीके के है, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी लेवल में काम होता है वहाँ पर सब कुछ डिवाइडेशन किया होता है। अब मान लीजिए अभी हम बात कर रहे थे फ्यूल एंड एक्सपेंसेस की, तो फ्यूल में भी अलग अलग गाड़ियाँ जो होती है, तो कौन सी गाड़ी से रिवेन्यू ज़्यादा आ रहा है तो और कौन सी गाड़ी का बराबर में एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा है, तो इसको ट्रेस करने के लिए कॉस्ट सेंटर हम यूज़ कर सकते हैं। पेटी केस है, या हमने जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम लिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर को हमने पेमेंट देनी है, तो कौन से कॉन्ट्रैक्टर को अभी तक हमने पेमेंट कितनी दे चुके हैं उसके भी हम कॉस्ट कैटेगरी बना चुके हैं। यानी कि इससे मिलते जुलते जो भी वर्किंग होती है उसका वर्क करने का जो प्रोसेस है ये बिल्कुल सेम ही रहेगा। आपको कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट की कैटेगरी इनेबल करके रखनी पड़ेगी और उनको क्रिएट करना पड़ेगा। और उसके बाद में जैसे कैटेगरी समरी आ जाएगी, तो कैटेगरी में डायरेक्ट आपको सीधा सेल्समैन ही दिखाई देगा और उस सेल्समैन में कितने सेल्समैन अभी तक हैं तो उनकी एंट्री भी आपको दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम एक एंट्री और करके देखते हैं। एग्जांपल के लिए वाउचर पर हम जाएंगे, पेमेंट वाउचर को सिलेक्ट किया, वाउचर नंबर हमने 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में टूर एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को वापस सिलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए हमने 10,000 भुगतान किया, सेल्समैन सुनील है, इसको भी हमने 2,000 रुपये की पेमेंट कर दी है। अब नमन को भी हमने 2,000 रुपये की पेमेंट करी है, सुनील को हमने उसके बाद देखो सुनील है तो सुनील की एंट्री आपको ये दोबारा दे रहा है डुप्लीकेट एंट्री, तो हमें सेलेक्ट करना है सुमित, सुमित की एंट्री हमने 5,000 पे करी है और उसके बाद में जो हमारे पास बच गया सुमित और मैक 1,000 रुपये, एंटर प्रेस करके इस वाउचर को भी हमने सेव कर दिया। अब जब हम इसकी कैटेगरी को सर्च करेंगे, डिस्प्ले पर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पर जाएंगे और कॉस्ट सेंटर पे जाएंगे और कैटेगरी समरी को एंटर प्रेस करेंगे, तो आपको सारी डिटेल्स है यहाँ पर उन सेल्समैन की आ जाएगी, क्योंकि हमने जो कैटेगरी बनाई थी वो सेल्समैन की बनाई थी और उन सभी के नाम यहाँ पर उनके अंडर में दे दिए। तो अभी तक हम देख सकते हैं 1,500 रुपये, 3,500 रुपये, 6,800 रुपये और 3,000 रुपये इस हिसाब से जो खर्चा हुआ है। लेकिन जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे तो आप यहाँ पर देखें जो टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसिस आपको दिखाई देगा, अब उनका जो हमने सेल्स मैन के जो नाम दिखाई दे वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उनका जिक्र अब कहीं नहीं होगा, वो एज ए हमारे रेफरेंस के लिए हमने बनाया ताकि हम उनको अच्छी तरीके से ट्रेस कर सकें। अब उनका न तो कोई ट्रेडिंग अकाउंट पे इफेक्ट आएगा, न कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे इफेक्ट होगा और ना ही कोई बैलेंस शीट पे उन सभी का नाम का कोई इफेक्ट होगा। इफेक्ट होगा तो केवल और केवल जो हमने इसका मेन लेजर जो क्रिएट किया है टूर एंड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस के नाम से, उसी को ही P&L में ये डेबिट करता रहेगा। वो हमने हमारी एक कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट जो सेंटर बनाया है वो कंपनी अपनी सुविधा के लिए बनाया है, ताकि हम जिसको जो भी हमारे एक्सपेंसेस है उन पे हम कंट्रोल कर सकें। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक देके जरूर जाना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।